उसमें नियम है कि उत्पाद व्यय ध्रुव निरंतर चलता रहेगा, लेकिन कुछ अधिकार मात्र जीव को दिए। धर्म धर्म आकाश काल को कोई अधिकार नहीं दिया। प्रकृति ने उन्हें एक शाश्वत अविनाशी बना दिया। पुद्गल को दिया तो पुद्गल का जो स्वरूप है वह बहुतायत, जो हितकारी अहितकारी है वो जीव के आदि। किसी भी द्रव्य को एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए उपकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। धर्म द्रव्य पर, अधर्म द्रव्य पर, आकाश और काल द्रव्य पर किसी का उपकार नहीं। ये उपकार करते हैं दूसरों पर, चलने में धर्म, रुकने में अधर्म, ठहरने में आकाश। मात्र एक काल द्रव्य ऐसा है जो सभी द्रव्यों पर उपकार करता है, सभी द्रव्यों पर। और उसके ऊपर मात्र आकाश द्रव्य उपकार करता है अवगाहन देकर के। लेकिन जीव द्रव्य के साथ, जिसे आप लोग कहते हैं सेठ, मालिक, तो मालिक कभी अकेला नहीं होता, सेठ कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ नौकर चाकर होते हैं, उसके साथ दोस्त यार होते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ सहयोग होता है। ऐसे जीव को संसार अवस्था में इस सृष्टि ने अकेला नहीं छोड़ा, उसके लिए पुद्गल कर्म लगा दिया। पुद्गल को लगा दिया कि तुम चाहो तो इस पुद्गल से लाभ ले सकते हो या हानि कर सकते हो। और जब तुम्हें जीव को एक ऐसा अधिकार दे दिया कि तुम मेरी नियत धारा में रह करके तुम जो कुछ बनना चाहो बनो, उसमें मैं तुम्हारे बाधक नहीं बनूंगा। माटी के निर्माता तुम नहीं हो, माटी प्रकृति से मिली है, वह तुम्हारे द्वारा निर्मित नहीं की गई है। पत्थर तुमने नहीं बनाए हैं, पत्थर प्रकृति ने बनाया। पानी तुमने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया। प्रकृति की एक प्रोसेस है पानी बनने की। आग तुमने नहीं बनाई है, आग प्रकृति ने दी है। पेड़ पौधे तुमने नहीं बनाए, हरियाली प्रकृति ने दी है। हवाएं तुम्हारी नहीं हैं, ये हवाएं किसने निर्माण किया? प्रकृति से, श्रुता है। अब हवाएं श्रुता हैं, इनको ऑक्सीजन बनाना तुम्हारा काम है, प्रकृति का नहीं। इनसे लाभ लेना तुम्हारा काम है। फेफड़े ठीक करोगे, रखोगे तो हवाएं ऑक्सीजन बन जाएंगी, नहीं तो हवाएं चलती हैं, चलती रहती। तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता हवाओं को। हवाएं निरंतर चल रही हैं, अनादिकाल से चलती आएंगी। फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें सावधानी रखना है कि अपने फेफड़े ठीक करो, जिससे यह हवा तुम्हें ऑक्सीजन बन जाए। फेफड़े ठीक करना प्रकृति का काम नहीं है, फेफड़े ठीक रखना प्रकृति का काम नहीं है। फेफड़े प्रकृति दे सकती है, प्रकृति ने हमें फेफड़े दिए हैं, लेकिन प्रकृति को फेफड़े दिए हैं वो ठीक ही रह जाएंगे? जरूरी नहीं। कोरोना में फेफड़ों ही पे अटैक हुआ, उनको सुरक्षित करना हमारा काम। यदि इनको सुरक्षित लग गया तो हवाएं हमें ऑक्सीजन बन जाए। जल बरसता है, बरसता रहेगा, लेकिन जल का उपयोग यदि हम कर लें, यदि हम थोड़े झुक जाएं, थोड़ा अंजलि बांध लें, तो यही जल हमें जीवनदायिनी हो सकता है। और थोड़े से और यदि सुधर जाएं,
तो जल का नाम निम्नगा है, नीचे की तरफ बहता है, और यदि थोड़ी सी तुम्हें कला आ जाए तो इस जल से गंधोदक भी बना सकते हो। ये प्रकृति नहीं बनाएगी, प्रकृति जल बना सकती है, बिजली नहीं। प्रकृति जल दे सकती है, बरसा सकती है, बह सकती है, लेकिन इस जल से बिजली भी बन सकती है। प्रकृति कहती है तुम्हारा काम, इसको पी करके जीवन दान दिया जा सकता है, ये तुम्हारा काम है। इस जल को मुनिराज की अंजलि में भेजा जा सकता है, प्रकृति कहती ये मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। या जल से भगवान के ऊपर ढालकर गंधोदक बनाया जा सकता है, ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम। ये अधिकार हमें दिया, जीव को दिया मात। अग्नि दी उन्होंने, अग्नि है सदा से है, प्रकृति ने दी है अग्नि। अब हमें दीप जलाना है कि आग लगाना है, ये फैसला प्रकृति का नहीं है, ये फैसला हमारा और आपका, ये निर्णय आपका है। पेड़ उगते हैं, प्रकृति उगती है, हरियाली होती है, उस पेड़ का तुम्हें क्या उपयोग करना है? चाहो तो काट डालो, चाहो तो छाया से भर दो, छाया तो फल फूलों का उपयोग कर लो, प्रकृति कहीं नहीं रोकती। पृथ्वी सदा से थी, सदा से है और सदा से रहेगी। चाहे तो इस पृथ्वी पर पाप कर डालो, चाहो तो इस पृथ्वी पर जिनेन देव का मंदिर बना डालो, फैसला तुम्हारा। चाहो तो मकान बना लो, प्रकृति नहीं रोकती। पृथ्वी कहती है मैं, प्रकृति ने दी है पृथ्वी, वो सदा से थी है, और उसको तुम्हारे लिए आज तक पृथ्वी को उत्पन्न कोई नहीं कर पाया, किसी ने कोई पृथ्वी उत्पन्न नहीं की, पृथ्वी है। उस पृथ्वी का उपयोग का अधिकार दिया जीव को, जीव को दिया कि तुम चाहो तो इस पृथ्वी को जो निम्न मानी जाती है, चाहो तो सिद्ध क्षेत्र बना सकते हो, चाहो तो एक इतना बड़ी स्वरूप बना सकते हो कि वह पृथ्वी की माटी माथे से लगाने लायक हो जाए तुम्हारे ऊपर। ये अधिकार हमें दिए, माटी दी है प्रकृति ने। पूज्यवर गुरुदेव ने एक मूठी मूक माटी नाम का महाकाव्य लिखा। माटी को नहीं बनाया उन्होंने, माटी को तो उठाया है। माटी को आज तक कोई बना नहीं पाया, कितना भी विज्ञान हो जाए मिट्टी को कोई नहीं बना सकता। मिट्टी तो प्रकृति की देन है। पूज्यवर को मैंने गौर से देखा, वो मूक माटी के अंदर माटी के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं लिखी कि माटी कैसे बनाई जाती है, माटी से क्या बनाया जाता वो तो लिखा है, माटी से क्या बनाना है वो तो लिखा है, लेकिन माटी कैसे बनाओ, माटी बनाने की प्रक्रिया पूज्यवर ने नहीं लिखी। कोई विधि नहीं दी कि जो कलश बनाने की माटी है वो कैसे बनाओ। मूर्ति बनाने की कला दिखी है, लेकिन मूर्ति का पत्थर कैसे बनाओ ये प्रोसेस नहीं मिल रहा है। मूर्ति का मिल गया, पत्थर ऐसा हो तो मूर्ति बनाना ना, लेकिन ऐसा पत्थर कैसे बनाऊं ये नहीं मिला। प्रकृति कहती है इसकी चेष्टा भी मत करना, तुम बना भी, पत्थर मैं बनाऊंगी, पत्थर से क्या बनाना ये तुम बनाओगे, बंटवारा कर। पत्थर मैं बनाऊंगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं प्रकृति हूं, पत्थर का निर्माण मैं करूँ। पत्थर से क्या बनाओगे ये मैं नहीं बनाऊंगी, ये जीव को अधिकार है तुम्हारे ऊपर। कितना व्यवस्थित बंटवारा है। पत्थर बनाने का अधिकार हमें नहीं दिया कि नहीं तुम पत्थर भी बनाना शुरू करो। अब वो पथरी बन जाए वो बात अलग है, लेकिन पथरी भी तुम नहीं बनाते वो भी बनती। आज तक कोई पेट में डॉक्टर पथरी नहीं बना सकता, लेकिन पथरी बनती है कि नहीं, निश्चित। मिट्टी को कोई नहीं बना पाया, कोई नहीं बना सकता। विज्ञान के पास भी आज तक कोई फार्मूला नहीं है जो मिट्टी को बना दे, नहीं बना सकता, मिट्टी से बना सकते। तो पूज्यवर ने मूक माटी में वहीं से प्रसंग उठाया कि मिट्टी तो मुझे प्रकृति ने दे दी। मिट्टी को उन्होंने क्या कहा, प्रकृति का उपहार।
प्रकृति ने दे दी, रॉ मटेरियल तो प्रकृति ने दे दिया, अब बाकी सारी फैक्ट्री में क्या बनाना है, दीप बनाना है कि मंगल कलश बनाना है कि पैरों से उसको खेती में डाल, क्या करना है सब तुम्हारे हाथ में सो। ये तो हुई भूमि का एक प्रसंग में, अब अपन लोग आ जाए। तुम्हारी सत्ता आज तक कोई विज्ञान जीव को नहीं बना पाया, आज तक नहीं बना, कोई विज्ञान की ताकत नहीं है जो जीव को बना सके। और ना जाने लाखों करोड़ों वर्षों से लोग लगे हैं, हमने सब चीज बना ली, बस एक कला और आ जाए कि जीव बनाना और विज्ञान को आ जाए। विज्ञान व्यर्थ में सिर से पहाड़ फोड़ रहा है, आज तक कभी जीव विज्ञान बना ही नहीं सकता। जीव का निर्माता प्रकृति है जो अनादि अनंत स्वभाव है। ना जीव मरता है ना जीव जन्मता है, जो है उसका विनाश नहीं, जो नहीं है उसका उत्पाद नहीं। सत का विनाश नहीं, असत का उत्पाद नहीं। पूज्यवर अकलंक स्वामी श्री राजवार्तिक, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हुआ। इसलिए जीव बनाने का प्रयास मत करना। और जीव है तो जन्म और मरण भी प्रकृति की देन है। कहाँ जन्मना ये प्रकृति का काम नहीं है, कहाँ मरना ये प्रकृति का काम नहीं है। वस्तु का काम है कि उत्पाद और व्यय निरंतर होगा, तुम्हारे हाथ में नहीं। क्या उत्पाद करना है, क्या व्यय करना है, ये फैसला तुम्हारा है। लेकिन तुम्हें उत्पाद व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है उत्पाद व्यय। ध्रुव युक्तम शत शत द्रव्य लक्षणम, लक्षण है, हम नहीं कर सकते। एक मिनट भी हम अपनी आत्मा की सत्ता को रोक नहीं सकते, प्रति क्षण हमें परिवर्तनशील होना है। उत्पाद व्यय होगा, लेकिन क्या उत्पन्न करोगे वो फैसला तुम्हारे ऊपर। उत्पन्न करो, व्यय करो। तुमने बनाया है तो कुछ दिन तिजोरी में रख लें, फिर कहते कि नहीं, नया प्रोडक्शन करो, पुराना क्यों। जो पुराना उत्पन्न हुआ उसको व्यय करो, नया उत्पन्न करो, प्रति क्षण नया उत्पन्न। अगुरु रघु गुण के माध्यम से प्रति क्षण प्रत्येक द्रव्य अर्थ पर्याय के रूप में उत्पन्न करता है। एक समय को पर्याय आती है और मिट जाती है। बस ये अधिकार हमें दिया कि तुम उत्पाद और व्यय कर सकते हो। और प्रकृति की अपेक्षा, जीव की अपेक्षा देखें तो तुम्हें जन्म भी लेना है और मरना भी है। इन दो चीजों में पुरुषार्थ करना छोड़ दो जब तक संसार में हो। जन्म भी लेना है और मरना है, बस अधिकार तुम्हें दिया, कहाँ जन्मना है वो फैसला तुम करो। ऊंच के जहान अपना है कि नीच के जन्मना, आर्यखंड में जन्मना कि मलेच्छ में जन्मना, देवों में जन्मना कि नारकियों में जन्मना, कहाँ जन्मना ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम निर्णय करो कहाँ जन्मना है। सारी विधि जन्म और मरण के बीच में जिंदगी जीने के लिए शास्त्र रखे गए, नीतियां बनाई गई कि देखो जन्म तो तुम्हें लेना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तैयारी करो, फैसला करो, गुरु से पूछो, नीतिकारों से पूछो कहाँ जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, उसकी तैयारी करो। जन्म की तैयारी नहीं, कहाँ जन्म लेना है। मुझे आर्यखंड में जन्म लेना है, उच्च कुल में जन्म लेना है, जैन कुल में जन्म लेना है, ये तुम्हारे हाथ में है, प्रकृति के हाथ में नहीं है। उसकी तैयारी हम कभी बताएंगे। मरना भी निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। कहाँ मरना है, समीर शिखर जी पे मरना है, समीर शिखर के जाते समय रास्ते में मरना है, महाराज के प्रोशनों में मरना है, महाराज के दर्शन करने आते समय मरना है, प्रभु का अभिषेक करते समय मरना है, आहार देते समय मरना है,
माला फेरते समय मरना है कि बारात में मरना है, शराब पीते मरना है, गाली देते मरना है, वो पसंद किसकी है? प्रकृति की नहीं, अपन सबकी। वो फैसला कर लो, क्या करते हुए मरना चाहते हो, कैसे मरना चाहते हो। निर्माण भी हमारे यहाँ मरण है, पंडित पंडित मरण बोलते हैं उसको। यदि मरना चाहते हो ऐसे कि हमारा द्वारा जन्म नहीं हो, तो सिद्धि को प्राप्त करो, फैसला तुम्हारे यहाँ। इसी प्रकार जिंदगी में आज जो प्रसंग है, तुम्हारा जन्म हुआ है, इसी से अपन प्रकृति मानते हैं। पूर्व की की हुई कहानी है, पूर्व में जो कृत अच्छा किया था, आज तुम्हारे जन्म मिल गया। लेकिन जन्मता जायते शूद्रहा, बहुत बड़ा सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। पूर्व जन्म में जैनी था, जैन धर्म किया था, अच्छे कार्य किए थे, अल्परंभ अल्परिग्रह किया, मनुष्य पर्याय मिली। तुम जितने जैनी बैठे हो ना, सब पूर्व भव के बहुत बड़े धर्मात्मा, निश्चित कोई सकी नहीं इसमें। परसों भी मैंने कहा था कि जैन कुल में जन बता रहा है कि आप अतीत के बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे, इससे बड़ी कोई जाति नहीं, इससे बड़ा कोई कुल नहीं, इससे बड़ा कोई छो नहीं सकता। जिस कुल में भगवान के अभिषेक की रोक टोक ना हो, जिस कुल में मुनिराज को हार देने की रोक टोक ना हो, जिस कुल में मुनि बनने के लिए कोई रोक टोक ना हो, इससे बड़ा कुल दुनिया में और हो कौन सकता। क्या एक जैनी को पूछना पड़ता है कि साहब मैं अभिषेक कर लूं? क्या एक जैनी को पूछना पड़ता है कि मैं महाराज को हार दे दूं? क्या एक जैनी को पूछना पड़ता है क्या मैं भी इंद्र बन सकता हूं? नहीं पूछना, वो तो जन्म से अधिकार है। लेकिन जो जैन कुल में नहीं है, वो पूछेगा भाई इस मंदिर में मैं अभिषेक कर सकता हूं क्या? क्या मैं महाराज को हार दे सकता हूं क्या? मैं भी दान दे सकता हूं क्या? पूछना पड़ेगा उसको। लेकिन तुमने किससे पूछा? एक व्यक्ति बताओ जो पहली बार मंदिर आया था, किससे अनुमति ली थी? कमेटी से अनुमति लेके मंदिर आया। बाहर पूछा, भैया मैं मंदिर आ जाऊं? क्यों भाई? ध्यान रखना, अनुमति ना बने प्रवेश कर जाए, और उसमें जगदीश बाबू मंदिर का अध्यक्ष हो, करके तो देखो मजाल हो तो। लेकिन एक ने भी अनुमति नहीं ली। और यदि जैन नहीं होता तो बोलो, जैन नहीं होता और वो बिनारी बिना अनुमति के मंदिर में प्रवेश कर जाता, तो बोलो जगदीश बाबू तुम क्या करते? हंगामा मचा देते, हंगामा कि क्या हो गया ये, देखो ये एक्स वाई जेड, और सब भी खड़े हो जाते, शायद मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता। बात सही है, पूछ के जाना चाहिए था, बिना पूछे कैसे अभिषेक कर लिया उसने? और चौके में चला जाए तो हंगामा ही खड़ा हो जाएगा, बिना पूछे गया कैसे वो अजैन चौके? पता चल जाए तो कहो मैं ही अंतराय कर दूं। लेकिन आप लोगों में से किसने पूछा है कि मैं मंदिर में जा सकता हूं क्या? क्या गॉड गजब, वो होते ना तुम्हारे नेता, अरे साहब इनकी तो ऐसी पहुंच है कि इनकी गाड़ी डायरेक्ट जाती है, किसी चौकीदार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ कहते हैं आप लोग, भाषा बोलते हैं। अरे भाई इनको तो वे चौकीदार जो बल्लम लिए रहते ना भे, इनकी गाड़ी आते ही इनका डायरेक्ट राष्ट्रपति तक पहुंच है, कोई अनुमति नहीं, कोई चौकीदार नहीं, बल्कि साके चौकीदार नमस्कार और करते आइए, अरे इनको क्यों नहीं, अरे भाई इनको क्या रोकना, इनकी तो डायरेक्ट पहुंच है। वारे जैनी, वारे जैनी, तुम्हारी जिनेंद्र भगवान तक डायरेक्ट पहुंच है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी।
यूं चले आए मंदिर में, बिल्कुल यूं जा रहे हैं, कोई पूछना नहीं, कोई रोक टोक नहीं, और गजब तो ये किसी ने टोका नहीं, ए मंदिर कहाँ जा रहा है, क्योंकि तुम कौन थे, अंदर का विल पावर है। जैन नहीं होते तो शायद कहते भाई पूछ लो, बाद में गड़बड़ नहीं हो जाए, लेकिन अंदर से आवाज़ थी नहीं जिने दे। किस किस ने महाराज से पूछ करके चौके में आहार दिए, धोती दुपट्टा पहना, कमेटियों से पूछ के कि भैया मैं महाराज जी को आहार दे सकता हूँ क्या, वो महाराज पूछते हैं वो बात की बात अलग, पहले तो देने की बात। दुकान पे ग्राहक जाने के लिए ग्राहक को पूछना पड़ता कि मैं आपकी दुकान में आ सकता हूँ क्या, सौदा पटे या नहीं पटे वो बात लेकिन पूछता नहीं पूछना पड़ा। गॉड गिफ्ट है रे तुम्हें, गॉड गिफ्ट है। जैन दर्शन में हजार पाबंदियां हैं, लेकिन पूर्व भव में तुमने ऐसा कर्म किया कि एक भी पाबंदी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होती, तुम्हें खुला कर सब कुछ अधिकार मिली, लेकिन वेदना देख रहा पूरे किए हुए की जिंदगी में इतनी मेहनत की, जैन कुल मिला सब कुछ पार कर गए, इससे ऊंचा कोई है ही नहीं, अब इससे ऊंचा ही कुछ नहीं, चाहे पंचम काल हो चाहे चौथा काल हो, इससे ऊंचा कुल नहीं, जाति नहीं, पद नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रकृति ने स्पष्ट फेर दिया, किसका जन्म हुआ है, शूद्र का जन्मतः जायते शूद्रा। जिनसेन स्वामी ने इस बात को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया, अन्य दर्शनकारों में तो आया, बोलो किए काया पे पानी फेर दिया कि नहीं, किसका जन्म हुआ, जैनी का नहीं, जैनी के यहां शूद्र का जन्म, जैनी के यहां जैन का, आज तक ऐसा सुना नहीं कि गेहूं बोए हो चना निकला हो, चना बोए हो गेहूं निकला हो, सरसों बोया हो और कोई दूसरा अनाज निकला हो, आम लगाए हो बबूल हुआ हो, बबूल लगाए हो आम हुआ हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं, लेकिन गजब जैनी के यहाँ शूद्र का जन्म। माँ बाप जैनी है, परिवार जैनी है, कुल जाति जैनी है, और जन्मता बालक शूद्र कह दिया, सीधा शूद्र। आशाधर जी पंडित जी साहब ने भी बात को कहा सागार धर्म, शूद्र कह दिया उनको। मैं तिलमिला गया जब ये बात पड़ी, मैंने कही आकाश से गिरा और खजूर पे अटका और सब मिटा दिया, शूद्र कह दिया सीधा। शूद्र का लक्षण क्या होता है, उसको पवित्र उत्कृष्ट क्रियाओं से वंचित रखा जाता है, वंचित रख दिया, ये कुछ नहीं कर सकता धार्मिक अनुष्ठान, भगवान को नहीं छू सकता, महाराज को नहीं छू, कुछ नहीं, सबसे वंचित कर दिया। शूद्र की परिभाषा क्या है, ऋषभदेव ने जो परिभाषा बनाई थी कर्म के आधार पर, पुजवर नैमी चंद महाराज ने गोमर सार में शूद्र की परिभाषा बनाई, वह परिभाषा बनाई जिसके लिए कोई कानून नहीं हो, जो अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है वो शूद्र हैं, जो कहते हैं मैं कुछ भी सोचूं, जो सोचूं वो होना चाहिए। कल का प्रसंग, जो मैं सोचूं वो होना चाहिए, ये भाव तुम्हें आ गया, तुम्हारा बुरा दिन चालू हो गया, डाउनफॉल चालू हो गए, तुम निकृष्ट से निकृष्ट योनि में जाओगे। उस समय यदि तुम्हारा आयु बंद हो जाए तो दुनिया की सबसे नीच जाति में, दुनिया के सबसे निकृष्ट योनि में तुम्हारा जन्म होगा। जिस समय क्या भाव आ रहा है, कल के प्रवचन को रिपीट करो, जो मैं चाहूं वह होना, ये तुम्हारे पतन का सूत्र है, ये पतन का सूत्र है। कल ही मैंने कहा था जिंदगी में ये भाव कभी मत आने देना, और यही तुम्हारा अंतिम कमजोरी है, और यही भाव सबको, बोलो ना क्या आता है, बोलो ना। अरे महाराज ऐसा चमत्कार हो जाए
ऐसा आशीर्वाद मैं जो सोचूं वो हो जाए। बोलो है भाव के नहीं? तो मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा मुझे भी लपेट लेना। हाँ क्या बात हो गई, ऐसा थोड़ी हो कि मैं भगवान बन गया हूँ तो संसार में। ठीक है हम बुरे काम को नहीं करेंगे, ये तो भाव है, तो भगवान ऐसा भाव आ जाए कि मैं सोचूं कि यहाँ सोने का मंदिर बन जाए, बन जाए, ये भाव तो कर ही सकता हूँ कि नहीं। भाई क्या बात है, तुम कभी कभी बुरे कार्यों में करोगे, लेकिन मैं बुरे कार्य का तो नहीं करूँगा, लेकिन अच्छे का तो मैं बिल्कुल सोचूं है भगवान शांतिनाथ भगवान दे दो एक आशीर्वाद, मैं सोचूं, क्या सोचूं बता दूं, हे भगवान मैं जो सोचूं वो हो जाए, क्या सोचेगा, आगरा के सभी जैनी मुनि बन जाएं और ये आरिकाएं बन जाएं, क्या साधु को ये भाव नहीं आ सकता? आ सकता, आता है। तो ये संस्कार है, यही भाव हमें कंट्रोल करना है, अच्छा हो या बुरा हो। हमें पहले ये आदत बिगाड़ना है कि मैं जो सोचूं वह होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। कभी मत आने देना ये भाव, जो मैं देखना चाहूं वो दिखना चाहिए मुझे, अंधे होने का लक्षण है, जो मैं देखना चाहूं वो दिखना चाहिए, जो मैं सुनना चाहूं वो सुनने में आना चाहिए बहरे, जो मैं बोलना चाहूं वो बोलना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, मेरे मन में जो आए वो कहूंगा बकूंगा, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, गूंगे होने का लक्षण, मैं जहां चाहूं वहां पर मेरा विहार विचरण होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, मैं कहीं भी जाऊं विकलांग होने का लक्षण है, मैं कहीं भी जाऊं मुझे कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। अरे भाई कुछ स्थान पर तो ठीक, अच्छे स्थान पर नहीं रोकूंगा, पर नहीं कुछ नहीं कह दिया ना, मैं वो ताकत चाहता हूं, मैं कहीं भी जाऊं कोई रोकना, मैं कुछ भी खाऊं बस मुझे ऐसा वरदान दो महाराज, मैं कुछ भी खाऊं जो खाने का भाव करे तुरंत मिलना चाहिए। ये भाव जब तुम्हें आ जाए समझ लेना तुम त्रियंचों की सबसे निकृष्ट जाति में जन्मोगे, शूकर कुत्ते और बिल्ली के में। क्यों, तुम्हें क्या भाव आया है? ये बहुत बड़ी है, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है दुनिया का। मैं जो खाना चाहूं मुझे मिलना चाहिए, जब जिस समय जो खाना चाहूं, ये निकृष्ट पर्याय है। कभी भूल करके ये भाव नहीं करूं, मैं जो करना चाहूं वो करूं, नहीं, मैं जैसे कमाना चाहूं धन आना चाहिए, नहीं, भिखारी होने का लक्षण है। ये जो किमिक्षक इच्छाओं को पूर्ति करने का वरदान, किमिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम जो धर्म कर रहे हो, किमिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भावनाएं कर रहे हो, यह तुम्हारे बर्बादी का लक्षण है। ये झूठ तुम्हें, ये शूद्रों का लक्षण है। किसका लक्षण है? शूद्र का लक्षण है। शूद्र ये कुछ नहीं देखता कि दिन है कि रात है, मुझे जब भूख लगे तब मैं खाऊंगा, ना दिन रात का कोई भेद नहीं, मुझे पाबंदी नहीं चाहिए। सावधान, आप उस समय यदि मरण को प्राप्त हो गए, शूद्रों में जन्मोगे, राक्षसों में जन्मोगे, उल्लुओं में जन्मोगे। मुझे कोई रोक टोक नहीं, जिस समय मैं खाना चाहूं खाऊं, कर्म कहता है गया, जैन से उल्लू सीधा। कभी भूल के नहीं करना, जब मुझे भूख लगे तब मैं खाऊंगा, ये परिणाम आज से त्याग देना। जहां चाहे वहां मैं जो चाहे करूंगा, मुझे कोई स्थान नहीं, मंदिर है कि बाजार है, घर है कि दो गार्डन है, कुछ भी नहीं, मुझे जहां जो करना है वो करूंगा,
मुझे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। उस समय यदि आयु का बंध हुआ तो त्रियंश बनोगे, क्योंकि त्रियंश का कोई स्थान, बोलो, पक्षी चिड़िया भगवान पर भी बैठ जाती है कि नहीं, वहां भी मल कर देती है कि नहीं, ये पशु का लक्षण। जहां मैं जो चाहूं वहां करूंगा, मुझे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, ये परिणाम पशु गति में नियम से ले जाएगा, क्योंकि पशु कोई भी कार्य करने के लिए स्थान का चयन नहीं करते, उनको जहां जो करना है खुला करते, भोजन भी जहां चाहे वहां करते, इंद्रियों के विषय भोग भी जहां चाहे, उनको ना कोई शर्म है, ना उनका बाजार है, ना उनका कोई चौराहा है, उनको तो जहां इच्छा हुई वहां उनको करना है। उनका ना मंदिर है ना कोई घर है, मंदिर में भी गंदगी कर देंगे, ये पशु का लक्षण है। ये छोड़ देना क्षेत्र को कि जहां चाहे मैं जो चाहूं जब चाहूं जहां चाहूं वहां करूंगा, गलती मत करना, त्याग करो। काल का भी मैंने बता ही दिया, काल में भी नहीं, द्रव्य भी नहीं, क्षेत्र में भी नहीं, भावों में भी नहीं, मैं जो भाव करना चाहूं वो भाव करूंगा, ऐसा वरदान मुझे चाहिए, मिल रहा है, क्योंकि अनादि काल से हमने जो मैंने बताया यही सब किया है, और आज भी तुम्हारी यही इच्छा है। बोलो, यदि तुम्हें कोई वरदान देने में आवे कि मांग लो, क्या मांगना है, तुम जो सोचोगे वो होगा, और तुमने कहा कि ठीक है मैं जो सोचूं वो हो जाएगा, और वरदान देने वाला दे रहा है और होगा होगा होगा, धमकी मत समझना, गलत मत समझना। बोलो, यह वरदान कौन कौन लेना चाहेगा? मैं तो नहीं लूंगा, चाहे भली वो ईंट का पत्थर का मंदिर बनवा दूंगा, चाहे भले, ये वरदान तो मैं नहीं लूंगा कि महाराज आप भी ले लो, क्या चाहते हो, जो सोचोगे वो होगा, पूरा MD कॉलेज सोने का बनेगा। मैं कह दूंगा वो ईंट गाड़ी का ठीक है, किमिक्षिक वरदान, किमिक्षिक इच्छाओं की पूर्ति का वरदान कभी मत लेना, और आपको अपनी अपनी शब्द ग्रीवान झांको, यदि ये वरदान तुम्हें मिलेगा तुम ले लोगे या ठुकरा दोगे? ऊपर से नहीं, अंदर से बोलो, मुराद ले लूंगा, आप बताओ, आप ऐसा वरदान मिले तो कौन छोड़ेगा? बस ऐसा वरदान तुम नहीं लो, इसी के लिए मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं नहीं लेने दूंगा। मैं कहूंगा बेटा ये वरदान नहीं लेना, चाहे भली तेरे मन में तेरे पाप कर्म का उदय है कि तू सोना छुएगा तो माटी हो जाएगी, वो अभिशाप मंजूर है, लेकिन मैं माटी छू और सोना हो जाए ये वरदान कभी मत लेना, महानुभाव, बहुत खतरनाक है। ना तो इंद्रियों का, ना जितने विषय हमने बनाए, साक्षात भगवान, साक्षात कोई भी शक्ति आ जाए, ये वरदान अपनी जिंदगी में नहीं लेना, भावना भी नहीं करना, भावना भी नहीं करना। फिर क्या करना? कल यही प्रसंग छूटा था, अब लो पहला। और यदि तुमने किया है तो ये शूद्र का लक्षण है, और शूद्र बालक 8 साल तक रहता है। 8 साल तक शूद्र कहा, सब पानी फेर दिया, तुमने जैनी को जन्म नहीं दिया, शूद्र को जन्म दिया है। आम के पेड़ पर बबूल का लग गया, आम के पेड़ पर निबोली लग रही है, तुम आम के पेड़ थे, माता पिता थे, तुम जैन थे, तुम सब तरफ से पवित्र थे, और तुम्हारे यहाँ निबोली का जन्म हुआ है। शार पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने 8 वर्ष तक उसको कहा, ये शूद्र की सेवा कर रहे हो, तो महाराज हम जैनी शूद्र की सेवा क्यों करें?
तो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक मनुग की सेवा कहा है। मनुग का अर्थ होनहार, जो अभी नहीं है लेकिन होनहार है, तो उसकी भी सेवा करके उसको होनहार को योग्य बना दो, ये भी एक सेवा है। यानी ये शूद्र मेरे यहाँ जन्मा है, दो शूद्र जिसका बाप माँ बाप भी शूद्र थे, कुल भी शूद्र था, और एक ये जैन कुल में जन्मा है शूद्र, इसकी उम्मीद है कि ये शूद्र से जैन बन सकता है। शूद्र की परिभाषा नेमीचंद महाराज ने पूज्यवर ने क्या बनाई, जो अभी तक मैंने कहा, जब चाहे जो चाहे जहाँ चाहे जैसा चाहे मैं सब कुछ करूँ, ये भाव जब तक आता है उसको शूद्र कहते हैं। जैसे बालक, बालक को क्यों शूद्र कहा, उसको यही पता नहीं कि मुझे क्या खाना चाहिए। बोलो बालक गंदगी हाथ में आ जाए तो खा लेता है कि नहीं, उसको ये पता कि मैं जैन का बेटा हूँ, उसको ये पता कि मैं राजा बेटा हूँ, कोई पता नहीं, शूद्र है। उसे ये पता नहीं है कि अभी घर में अर्थी रखी है, अभी भोजन नहीं कर सकते, लेकिन कोई मर गया, माताएं शेयर करना, बालक रोटी के लिए रो सकता है कि नहीं। तुम सब लोग रो रहे हो कि वो मर गया, बालक कहता है कि हमें तो रोटी दो। माँ समझाती है बेटा मर गया वो, अरे वो मर गया तो मुझे क्यों मार रही है, मुझे तो रोटी दो। अर्थी का भी उसे विकल्प नहीं है, अर्थी के सामने भी वो दूध पीने बैठ जाएगा, रोटी खाने बैठ जाएगा, उसको शूद्र कहते हैं। समय का ज्ञान नहीं कि कौन सा है, उसको रात में भूख लगी वो मांगेगा, मुझे भूख लगी है दूध दो रोटी दो, इसका नाम शूद्र है। जब चाहे तब खाऊं, शूद्र है। और उसको ये भी पता नहीं कि ये मंदिर है, छोटे बच्चे मंदिर में सूसु कर लेते कई बार के नहीं, खोटी भी कर लेते, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि ये शूद्र है। शूद्र तो ये शूद्र की जो परिभाषा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने दी, आप सब पे लागू रख लो। जिसके जीवन में ऐसा है कि जब भूख लगे तब खाऊंगा, वे जैन नहीं, बड़े होकर के भी शूद्र हैं और बुढ़े होकर के भी शूद्र हैं। अरे जन्म शूद्रते से और तुम तो मरोगे भी शूद्र बन के बनोगे, तो शूद्रों में पैदा हो। अब क्या करना, नहीं अब शूद्र देखना। 8 साल के बाद, जैसे ही 8 साल पूर्ण होते हैं तैसे ही बालक को कहा जाता है, और बालक कहता है मैं जो सोचूंगा, मेरे सोचे सब कुछ हो जाए, नहीं मेरे गुरु जो सोचेंगे वह होना चाहिए। बस अब 8 साल हो गए, गुरु को अपन माता पिता से शुरू करें। मैं क्या सोचूं, जो मम्मी पापा सोचें वह मैं सोचूंगा, जो मेरा गार्जियन सोचेगा वो मैं सोचूंगा, जो मेरे गुरु सोचेंगे वो मैं सोचूंगा, और जो मेरे गुरु सोचें वही होना चाहिए और वही मैं होके दिखाऊंगा। ये आते ही बस अब जैन हो गए। तुम्हारे सोच को खत्म करो, तुम्हारे सोच को खत्म करो, तुम्हारे देखने की इच्छा खत्म करो। अब आप सोचो क्या सोचना है, अपना सोच बंद करो, लॉक कर दो। 7 साल तक तुम्हें छूट थी, अपनी इच्छा से सोच रहे थे, शूद्र थे। जैसे 8वें साल में प्रवेश होती, अब मैं नहीं सोचूंगा, मम्मी पापा जो सोचेंगे वो मैं करूंगा। तुम क्या सोच रहे हो, भाई मैंने सोचना बंद कर दिया, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं जैन हो गया हूँ, अब मेरे माँ बाप जो सोचेंगे वो मैं करूँगा। तो माँ बाप की गोद में जाओ, मम्मी पापा आपने मेरे संबंध में क्या सोचा है, तुमने नहीं, तुम मत बताना पहले से, मम्मी पापा मैंने अपने संबंध में ये सोचा है। छोकरा बाप का बाप बन रहा है, हाँ तुम आजकल ऐसे उद्दंड हो, सीधे मैंने अपने संबंध में ये सोचा है। आजकल के सब उद्दंड हो गए। विधि क्या है, मम्मी पापा आज तक मैं अपने संबंध में सोचता आया, हमें शूद्र की उपाधि मिलती रही,
आज मेरे गुरु ने कहा है, मैं अपनी ज़िंदगी के संबंध में नहीं सोचूंगा, मम्मी पापा आपने मेरे संबंध में क्या सोचा है? बोलो, तुम अपनी ज़िंदगी में जो संबंध में सोचोगे वो ज़्यादा अच्छा होगा कि माँ बाप तुम्हारे संबंध में सोचेंगे वो अच्छा होगा? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, तुमसे ज़्यादा अच्छा। दिखा दो समर्पण, वहीं से समर्पण शुरू होता है, वहीं से दूसरा जन्म शुरू होता है। पहला जन्म प्रकृति के द्वारा हुआ, कर्मों के द्वारा हुआ, दूसरा जन्म अब तुम्हारा हो रहा है कि तुमने सब इच्छाएं खत्म की। क्या देखूंगा? मेरी कोई देखने की इच्छा नहीं, मम्मी पापा जो कहेंगे वह देखूंगा। आंखों पर किसकी लगाम? तुम्हारी आंखें खत्म करो, तुम्हारा मन खत्म करो, मम्मी पापा का मन चलेगा, तुम उसके वर्कर होगे। इंजीनियर गाइड करता है, मिस्त्री बिल्डिंग बनाता है। इंजीनियर मिस्त्री दिमाग नहीं लगाता है, दिमाग कौन लगाता है? इंजीनियर। कंपाउंडर दिमाग नहीं लगाता है, दिमाग कौन लगाता है? डॉक्टर। तुम्हारा दिमाग लॉक करके रख दो, मैं वही देखूंगा। क्या देखना है तुम्हारी इच्छा? मेरी कोई इच्छा नहीं, मम्मी पापा जिससे कहेंगे, मम्मी पापा मुझे क्या क्या देखना चाहिए इस दुनिया में, कहाँ क्या देखना चाहिए, लिस्ट बनाओ। जो जो मम्मी पापा कहेंगे वही देखूंगा, देखना बंद, वही सुनूंगा मम्मी पापा के। बहुत सारी बातें, क्या क्या सुनूं? गंदी बातें भी होती हैं कि नहीं? नहीं, मैं जो सुनना है वो नहीं, मम्मी पापा से पूछूंगा। पहला गुरु, क्या खाना है? नहीं, मेरी इच्छा खत्म। जैन बनने की उपक्रम बता रहा हूँ, जो मम्मी पापा खिलाएंगे वह खाऊंगा, ये नियम मेरा है। जैन बनने का तरीका यह है। 7 साल तक क्या चल रहा था? मुझे जो खाना है वो खाऊंगा। 8वीं साल के बाद, नहीं, अब माँ बाप जो खिलाएंगे वो खाऊंगा। जहां कहाँ जाना है? कहीं नहीं। मम्मी पापा पूछो, मम्मी पापा मुझे कहाँ जाना चाहिए, लिस्ट बनवा लो, यहाँ यहाँ जाना, क्या करना चाहिए, यहाँ ये करना, कब खाना चाहिए, भूख तो रात में लगी है। नहीं नहीं, कब खाना चाहिए मैं मम्मी पापा से पूछता हूँ, क्या खाना चाहिए मम्मी पापा से पूछता हूँ। बस तुम्हारा जैन बनने की भूमिका, 8 वर्ष और 7 वर्ष जो माँ बाप ने लगाए वो इसी के लिए लगाए कि बेटे को अपनी इच्छा से नहीं खा पाए। ये 7 साल की जिम्मेवारी तुम्हें बहुत बड़ी दी है, ये कोचिंग है, ये प्रैक्टिस है, एक जैन बनाने के लिए 7 साल माँ बाप को बहुत बड़ी मेहनत करना है। जैसे कोई अच्छे इंटरव्यू IPS IAS ऑफिसर के लिए तैयारी करना पड़ती है कि नहीं? तैयारी के लिए बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं कि नहीं? किसके लिए होते हैं? कोटा के अंदर कोचिंग होती है बहुत बड़ी, वो कोई पढ़ाई है कि तैयारी है? बोलो, सारी तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी है। ये 7 साल जैन बनाने की कोचिंग है, तैयारी है, ये इंटरव्यू नहीं है। और तैयार कराने वाला कौन है कोचिंग का मास्टर? माँ बाप। जैसे बच्चे ने गंदगी की तरफ हाथ उठाया, माँ बाप, छी छी गंदगी नहीं खाना, ये है मास्टरी। कहाँ जा रहा बेटा? नहीं जाना, छी गंदे बच्चे वहाँ नहीं जाते। कुछ देख रहा है? छी गंदे बच्चे ऐसा नहीं देखते। कुछ सुन रहा है? छी गंदी बातें नहीं, उसके मुख में कोई लाना, छी गंदी आवाज़ नहीं, अभी नहीं। ये सब कोचिंग है। 7 साल तक महानुभाव जैनी बनने को हंसी मजाक मत समझो, जैनी बनने के लिए तुम्हें 7 साल अपने बच्चे को कोचिंग कराना है। 7 साल के अंतिम समय तक तुम्हें ऐसा कर देना है जैसे गुरु महाराज पूछे कि ये क्या खाता है, बोले साहब जो मैं खिलाती हूँ वो खाता है, अब मैं जैनी बनाता हूँ 8वें साल। ये कहाँ जाता है? बोले जहाँ मैं भेजती हूँ वहाँ जाता है। ये क्या करता है?
तो पिताजी कहते जो मैं कहता हूँ वही करता है। तो फिर आज 8वें वर्ष में जैनी बनने के लायक हो जाएगा। आज जिस बालक की चर्चा कर रहे, मैंने जो नियम देने की बात कही, ये नियम आज के पहले ही वो ले चुका है, तब वो जैनी बनने आया है। ये माँ बाप ने, उनके परिवार ने, उनके लोगों ने, उसकी मौसी जो ब्रह्मचारिणी है, उसने पूरे परिवार में ऐसा संस्कार दे दिया कि कल जैनी बनने इंटरव्यू देने जाएगा तो पास कैसे। किसी बालक से अपन यही पूछते हैं, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कहते तैयारी की है कि नहीं। आज तो गुरु के पास, भगवान के पास इंटरव्यू देने जा रहा है, IAS IPS ऑफिसर से भी ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू है ये। तैयारी करके आए हो कि नहीं, कि ऐसे छोकरे को लेके आ गए, ऐसे छोकरे को लेके आ गए। हर छोकरे को मंदिर में नहीं, जैनी नहीं बनाया जाता। जैनी बनाने के लिए 7 साल तुम्हें बच्चे के साथ कोचिंग कराना है, जैन क्रियाओं के संस्कार देना है, अपने अंडर में उसको चलाना है, और बालक को माँ बाप के अंडर में चलना है 7 साल। कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। जैनियों को, सबको नहीं मिलाया जाता, एक कठिनरा जाति होती है। संक्षेप में बताता हूँ, इधर टीकमगढ़ तरफ राज्य में कोई राज्य का आक्रमण हुआ, कुछ अच्छे लोग भी भागे, भाग के देवगढ़ में एक विधान चल रहा था। विधान चलते चलते पंगत हो रही थी, उधर से वो लोग भागते आए, बेतवा नदी पार की, इधर दूसरे राजा का राज्य था। सैनिक उनको मारने पड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस राजा की आधीनता स्वीकार नहीं की, उसके नियम नहीं कि वो राजा आता ताई था। भागे, सैकड़ों लोग भागे, इधर सैनिक पीछे लगे हैं, इधर वो सारे जितने लोग थे, जैनियों की पंगत चल रही थी, हजारों लाखों लोग थे उस समय देवगढ़ में, और वो उस पंगत में आके बैठ गए। दुश्मन के सैनिक गुप्तचर आए, उन्होंने देखा यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो धार्मिक लोग पूजा कर रहे, वो लौट गए, बच गए। बचने के बाद जो सेठ था भोजन कराने वाला, उसने कहा कि ये जैनी नहीं है, इनके खाने का ढंग, इनके उठने बैठने का ढंग ठीक नहीं है। तो लोगों ने कहा इनको भगाओ यहाँ से, बोले नहीं, खाने की पत्तल पर बैठने के बाद दुश्मन को भी नहीं उठाया जाता है, दुश्मन को भी नहीं उठाया, खाने के लिए आए हैं, इनको भोजन करने दो। भोजन करने के बाद सबको बुलाया, उन्होंने सबने कहा कि नहीं साहब, ऐसी ऐसी बात है, ऐसे थे, जिस धर्म ने मेरी रक्षा की है मैं इस जाति में मिलना चाहता हूँ। जैन पंच इकट्ठे हुए ललितपुर के, उन्होंने कहा हम जैनियों में ऐसे ही नहीं मिलाते, जैनियों में मिलने वाले के बाद अकल होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, इतनी बुद्धि होना चाहिए कि वो बहुत बुद्धिमान हो। तो क्या करना साहब बुद्धिमान से, बोले तुम लोग जब, एक बार बादशाह बीरबल में भी ऐसी कहानी हुई थी, उन्होंने कहा कि बुद्धिमान कौन है, बोले बनिया जाति, बोले कैसे जाना, बोले साहब लुआ दो। तो बीरबल ने कहा राजा साहब आप चुपचाप बैठना, जितने दाढ़ी वाले थे सबकी समाजों के बुलाए, बोले राजा साहब को आपकी दाढ़ी की जरूरत है, तो उसने कहा साहब दाढ़ी की जरूरत है ले लीजिए, सबने बनवा के रख दी, अब बनिया की बारी, सबने दे दी। सब घबरा रहे थे कि पता नहीं और क्या मांग ले, दाढ़ी भाई सबने बना बना के दाढ़ी राजा के सामने चढ़ा दी। अब बनिया की बारी आई, हो बनिया में नाम था आगरा का, अब वहाँ पूछा, बोले अब दाढ़ी वाले, अरे तेरी दाढ़ी की जरूरत है राजा साहब, अरे राजा साहब को दाढ़ी की, हम तो गर्दन दे दें, गर्दन गर्दन नहीं चाहिए, अरे साहब बीरबल जी मैं कह रहा हूँ राजा का है तो मैं तो गर्दन दे दूँ, गर्दन एक बार भी नहीं कहा कि मैं दाढ़ी दे दूँ, क्या बोल रहा है, अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, राजा साहब के लिए तो मैं गर्दन हाजिर है, गर्दन हाजिर है। बीरबल ने कहा गर्दन नहीं दाढ़ी की, हाँ बोल। अरे राजा बीरबल जी आप भी क्या बात कर रहे हो, अब गर्दन दे सकता हूँ तो गर्दन में दाढ़ी आएगी कि नहीं, तो दाढ़ी के लिए तैयार, बोले साहब मैं गर्दन को तैयार हूँ, और उसने एक बार भी नहीं कहा दाढ़ी को तैयार है।
ठीक है, दाढ़ी के तो दाढ़ी चाहिए, गर्दन नहीं चाहिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सबसे मांगा कोई ने 10 रुपया, कोई ने 25, उन्होंने मांग करके, और किसी ने कुछ नहीं दिया था, मैं तो कुछ नहीं चाहिए। अब आगरा का बनिया और ऐसी दाढ़ी दे दे। उसने कहा कि देखो साहब, पहली बात तो हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो गर्दन देने को तैयार हूँ। नहीं, कुछ ना कुछ तुम्हें लेना पड़ेगा, फ्री में राजा साहब कुछ नहीं लेंगे। तो बोले साहब, जब देना ही है तो लो, सुनो, ये दाढ़ी जब मुड़ी थी, जब मेरी माँ मरी थी, 500 कलदार खर्च हुए थे, होता ना 500। दूसरी बार दाढ़ी मुड़ी थी जब मेरे पिताजी मरे थे, तो 1000 कलदार हुए थे खर्च। अब तीसरी बार में तो क्या मतलब है, कोई मरे जब देगा दाढ़ी के? नहीं नहीं साहब, वो इशारा काफी है। तो तीसरी बार में बोले बीरबल जी, पहली बार के 500 थे, दूसरी बार में 1000 लगे, तो तीसरी बार में आप हिसाब लगा के नहीं जानते, राजा के मंत्री होकर, तो क्या करूं 1500? बोले आप सोच लो, 1500 मोहरे राजा साहब को उसको दे, 15 ठीक है। बोले साहब बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, 1500 मोहरे अंटी में बांधी। नाई बुलाया गया, बोले दाढ़ी दे दो राजा साहब को। तो पहले वो साबुन वाबुन नहीं चलती थी, पानी से गीला करते थे मुलायम, तो नाई पानी से गीला करते करते थोड़ा जोर से कर दिया, बनिया ने एक झापड़ मारा। बोले मूर्ख, इसको बनिया की दाढ़ी समझ रखा है, ये राज दाढ़ी बिक चुकी है, ये राजा साहब की दाढ़ी है और ऐसे बनाता है, ये दाढ़ी बिक चुकी है, अब ये बनिया की दाढ़ी नहीं है, ये किसकी दाढ़ी है? एक झापड़ मारा। जैसे नाई को झापड़ पड़ा तो नाई कहता, मर जाऊंगा, इसकी दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा। राजा साहब कहते, भैया वो क्या गड़बड़ हो जाएगा, देखो साहब भाग जाएगा। बोले राजा साहब, मेरी गर्दन काट दो, एक बनिया की दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा। माहौल ऐसा मच गया कि राजा साहब ने कहा, बात तो सही है, इसने थप्पड़ के मार, निकाल इस बनिया को बाहर, निकाल बाहर। बनिया को बाहर निकाला। बीरबल ने कहा, राजा साहब ये क्या किया आपने, 1500 रुपया गए और दाढ़ी भी गई, इसका नाम है बनिया। तो क्या तुम लोग ऐसे हो? बोले साहब परीक्षा ले लीजिए। बोले कल विधान का समापन है, बिना लकड़ी के, बिना कंडे के, बिना कोयला के, गैस चलती नहीं थी उस समय, इनके बिना तुम पक्की रसोई बना करके पूरी समाज को खिला सको तो समाज में मिलाऊंगा। लकड़ी बंद, कंडे बंद, कोयला बंद, तीसरा क्या है, चौथा, चौथा आइटम क्या था अग्नि का उस समय? आज क्या नहीं, बिजली मिली थी नहीं, सब स्तब्ध रह गए कि कैसे लकड़ी, कंडा, कोयला सब बंद और पक्की रसोई बनाना है, और वो भी एक दो को नहीं। समापन में कितनी भीड़ होती, उनकी होनार अच्छी थी, उन्होंने कहा मंजूर है, मंजूर है। और सारे लोगों ने अपने जेवरात आदि जोते बेच करके कपास की गाड़ियां खरीदी, ऊपर घी नीचे तेल, कपास को तेल में डालें, भट्टी में डालें और ऊपर मिठाइयां बन रही हैं, कपास जला जा, कपास होता है रुई रुई रुई, कोयला का मना किया था, लकड़ी का मना किया था, कंडे का मना किया था, कपड़े का तो नहीं किया था। कपड़े के थान, रुई के, कपास के गाड़ियां मंगा करके घी में तेल में डालें, भट्टी में देवें और ऊपर मिठाइयां बनी और सारी समाज को खिलाई, तब जैनियों ने उनको जैनी में मिलाया। इतनी कठिनाई से बने सुबह कठनेरा कहलाए, आज भी कठनेरा हैं, मुंगावली भोपाल तरफ कठनेरा है, दिगंबर, कट्टर दिगंबर जैन समाज है। कितनी कठिनाई,